बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने 25 जून को इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक्टर ने अपनी मच अवेटेड फिल्म पठान का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है, जिसमें शाहरुख खान खून से लथपथ बेहद ही इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। एक्टर के हाथों में टूटी हुई हथकड़ी बची हुई है और उन्होंने राइफल ली हुई है, जिसे देखकर शाहरुख किसी बागी के लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म पठान की बात करें तो इसे यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है। फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी मुख्य भूमिका में शामिल है। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। पठान को हिंदी के अलावा तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनके पास इस वक्त 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पठान के अलावा उनके पास साउथ के निर्देशक एटली की फिल्म जवान भी है, जिसमें वह सान्या मल्होत्रा और नयनतारा के साथ नजर आएंगे। हाल ही में शाहरुख खान ने अपने तीसरे बड़े प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया था, जो फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म डंकी होगी। फिल्म मेकर राजकुमारी हिरानी के साथ शाह की पहली फिल्म होने वाली है। फिल्म में तापसी पन्नू जी है और ये 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म इस अप्रैल को फ्लोर पर आ गई है, जिसके अगले शेड्यूल की शूटिंग बड़े पैमाने पर पंजाब में की जाएगी। जैसे ही बॉलीवुड के किंग खान ने वीडियो पोस्ट किया, वीडियो तेजी से वायरल होने लगी।